इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह में इतकाफ ठहरा हुआ था, रात के पीछे फिर मेरी आंख खुली और तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ शुरू कर दी मुल्तज़िम के पास। मैंने कहा या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा, ये दुआ। तो मुझे एक शख्स ने आवाज लगाई, कहा कि हर आदमी ये कहता है मुझे गुनाहों से बचा, पूरी उम्मत सारी सबके सब ये कहते हैं मुझे गुनाहों से बचा, अगर मैं इनको गुनाहों से बचाने लग जाऊँ तो मैं मगफरत किसकी करूँगा, मैं बख्शिश किसकी करूँगा, मैं अपना कर्म व फजल किस पे नाजिर करूँगा, मैं तो इनको गुनाहों में डुबोता भी हूँ और फिर गिड़गिड़ाते हुए मैं उनको बख्श के खुश होता हूँ।